हेलो एवरीवन, टुडे वी विल लर्न अबाउट केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स। ठीक, आज हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए अल्कोहल आर वर्सटाइल कंपाउंड। ठीक है, अल्कोहल क्या होते हैं? वर्सटाइल कंपाउंड होते हैं। दे रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये क्या होते हैं? वर्सटाइल कंपाउंड होते हैं, मींस ये क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं न्यूक्लियोफाइल और एज ए इलेक्ट्रोफाइल, मींस दोनों की तरह ये रिएक्ट करते हैं। देखिए कह रहा है कि द बॉन्ड बिटवीन OH इज ब्रोकन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो यहाँ से आप लोग नोट करते चलिए। ठीक है, नोट बना लीजिए कि जो अल्कोहल होते हैं वो वर्सटाइल कंपाउंड होते हैं। ठीक है, या फिर अंडरलाइन कर लीजिए इसको, दे रिएक्ट बोथ हैज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। फिर आगे देखिए कह रहा है कि द बॉन्ड बिटवीन OH इज ब्रोकन। ठीक है, द बॉन्ड बिटवीन क्या है? OH इज ब्रोकन broken when alcohol react as when alcohol react as nucleophile nucleophiles। ठीक है, देखिए जब क्या होता है, जब ये OH का बॉन्ड ब्रोकन होता है तो जो अल्कोहल होता है वो रिएक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। जैसे ये हो गया हमारा, ये R है, ये O है, ये H है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन पे क्या है? दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। प्लस देखिए ये किसके पास ये अटैक करेगा? ये हमारा क्या हो गया? कार्बो कटायन हो गया, ये प्लस का। तो ये जो लोन पेयर है यहाँ पे देखिए क्या कर देगा? अटैक करेगा। ठीक है, तो फिर देखिए क्या हो जाएगा? आपका इंटरमीडिएट यहाँ पे बन जाएगा, ये हो जाएगा आर, ये ओ हो जाएगा। ठीक है, इसके पास एक हाइड्रोजन थी, ये H बन पॉजिटिव बन जाएगा, मीन्स अपना लोन पेयर ये दे दिया और इसके साथ क्या हो जाएगा? ये जुड़ जाएगा, ये C हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन क्या होगी? इससे ले लेगी और इसको क्या कर देगी? बाहर निकाल देगी। ये क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, ये O हो जाएगा, लोन पेयर अपना ले ली, यहाँ पे ये C बन जाएगा प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, तो यही कह रहा कि जब बॉन्ड बिटवीन OH इज ब्रोकन, मीन्स जब यहाँ का बॉन्ड ब्रोकन होता है तो अल्कोहल रिएक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब देखिए आगे लिखा है कि द बॉन्ड बिटवीन CO इज ब्रोकन। ठीक है, आगे क्या है? द बॉन्ड बिटवीन CO इज ब्रोकन इज ब्रोकन, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो। ठीक है, तो जब OH से होता है बॉन्ड, यहां से टूटता है तो ये न्यूक्लियोफाइल, जब C और O का बॉन्ड ब्रोकन होता है तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, आइजे ये इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, ये लिया गया है RCH2, यहाँ पे OH, मीन्स ये क्या कर लिया जा रहा है? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब एक प्रोटॉन से यहाँ पे हम क्या कर देंगे? इसका रिएक्शन करा देंगे। प्रोटॉन है, इसके पास देखिए दो लोन पेयर है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? प्रोटॉन आप पे इसी को कह दीजिए, ये क्या हो जाएगा? इसके ऊपर ये रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा CH2, ये ओ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब इससे जुड़ेगा, ये भी एच हो जाएगी, ये भी एच हो जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, ये रिएक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इसको देखिए यहां पे सपोज कर लीजिए, ये हमारा R है, ये CH2 है, ये O है, इस साइड भी H है, ये भी H है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रही है? जो ब्रोमीन है, ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन है। ठीक है, ये क्या कर रही है? इसके ऊपर देखिए जब रिएक्ट करेगी, यहाँ पे अटैक करेगी। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन होगी अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चली जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगा,
ये बन जाएगा इस पे हुआ तो ये R हो जाएगा, ये C है यहाँ पे क्या हो गया BR है, ये CH2 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा ये H2O निकल जाएगा। ठीक है, तो यही आपको देखना था। ठीक है, कि जो अल्कोहल में जो बॉन्ड होता है, एक तो ये आपका हो जाएगा R हो गया, सपोज करिए ये R है, ये O है, ये H है, जब यहां से बॉन्ड ब्रेकिंग होता है तो ये एज ए क्या होगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा। ठीक है, और अगर यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है, इसमें हमने यहां पे क्या हुआ, ये R है, ये O था, ये S था, तो यहां पे यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो एज ए ये इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है कि बेस्ड ऑन द क्लीवेज ऑफ ओ एच एंड सीओ बॉन्ड, मिस्ड ईसी के क्लीवेज के मतलब सीओ एंड ओ एच बॉन्ड, द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, तो रिएक्शन जो अल्कोहल और फिनॉल का रिएक्शन को टू कैटेगरीज में ये डिवाइड कर दिया गया, मतलब ये तो न्यूक्लियोफाइल ये करेगा और एज ये क्या करेगा इलेक्ट्रोफाइल करेगा। पहला देखिए कह रहा है कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ओएच बॉन्ड, तो हेडिंग डाल लीजिए रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ओएच बॉन्ड। ठीक है, देखिए पहला हेडिंग डाल लीजिएगा, पहला देखिए पढ़ते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ओएच बॉन्ड। ठीक है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ओएच बॉन्ड, अब यहां पे देखिए जो अल्कोहल एंड फिनॉल रहेगा ये एज ए ट्रीट करेगा क्या, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल, क्या करेगा जब OS से हो रहा है देखिए ये न्यूक्लियोफाइल एज ए रिएक्ट करेगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, पहला देखिए ये पढ़ना है क्या है, देखिए रिएक्शंस विथ मेटल, पहला क्या है रिएक्शंस विथ मेटल, अल्कोहल एंड फिनॉल रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल सच एज सोडियम पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम टू यील्ड करस्पॉन्डिंग अल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड एंड हाइड्रोजन, ये देगा, देखिए ये रिएक्शन है, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ बोर्ड पे। ठीक है, तो पहला देखिए हमको यही पढ़ना है, इसमें एसिडिटी ऑफ अल्कोहल में पहला पॉइंट है रिएक्शन विथ मेटल, किसके साथ, रिएक्शन विथ मेटल। देखिए सिंपली कह रहा कि जो अल्कोहल और फिनॉल्स होते हैं ये जो एक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इन सब से रिएक्शन करके अल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड बनाते, उसी के साथ हाइड्रोजन गैस क्या होती है निकलती है। पहला रिएक्शन देखिए ये हो गया हमारा, टू मोल्स लिया गया है आर ओ एच, ठीक है, प्लस सोडियम के साथ रिएक्शन कराया गया तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम अल्कोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, मीन्स ये हो जाएगा टू मोल्स ऑफ आर ओ एन ए, तो यहां से देखिए इसमें बॉन्ड ब्रेक होगा तो रिएक्शन हमने पढ़ रहे हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ओएच बॉन्ड, तो यहां से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। ठीक है, कहां से होगी, यहां से होगी, तो प्लस इसी के साथ हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, ये निकलेगी, तो इसका देखिए नाम हो जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, दूसरा देखिए अगर हम क्या कर रहे हैं, टेट ब्यूटिल अल्कोहल ले रहे हैं, दिया गया बुक में टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल CH3 यहाँ पे OH हो गया प्लस टू मोल्स ऑफ Al, ये क्या हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल लिया गया है, इसका रिएक्शन करा रहे एल्युमिनियम के साथ। ठीक है, तो देखिए क्या बन रहा है हमारा, टू मोल्स ये बनेगा एल्युमिनियम टेट ब्यूटॉक्साइड, ये CH3 यहाँ पे भी सी, इस साइड भी CH3 है, CH3 देखिए यहाँ पे O है, तो यहीं से क्या हो जाएगा ये बॉन्ड निकल जाएगा, 3 है एल्युमिनियम की वैलेंस 3 होती है, तो इसको यहाँ पे ऐसे करेंगे। ठीक है, प्लस क्या यहाँ पे बनेगा 3 मोल्स ऑफ H2, देखिए ये भी दिया गया है बुक में। ठीक है, फिर अब देखिए फिनॉल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, किसके साथ है, फिनॉल है, OH हो गया, ठीक है, 2 मोल्स हमने फिनॉल लिया प्लस 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ, तो ये देखिए क्या बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बना रहा है। ठीक है, ONA क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड बना रहा है। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो यही है देखिए जो आप अल्कोहल और फिनॉल होते हैं जब वो एक्टिव मेटल्स मीन्स ये क्या हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्युमिनियम से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम अल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड देंगे और इसी के साथ हाइड्रोजन गैस भी देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। आगे देखिए कह रहा है कि इन एडिशन टू दिस फिनॉल रिएक्ट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड,
अब इसी में देखिए कह दिया जा रहा है कि ये जो फिनॉल है, अगर हम फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ करा दे रहे हैं, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये हमारा OH हो गया, फिनॉल हो गया, किसके साथ NaOH के साथ केवल रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, तो भी क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा ONa सोडियम फिनॉक्साइड प्लस यहाँ पे H2O बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आगे, हाँ देखिए यहां तक हो गया ना, हाँ देखिए, इन एडिशन टू दिस फिनॉल रिएक्ट विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड। देखिए कह रहा है कि द एबव रिएक्शन शोज दैट अल्कोहल एंड फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर, मींस कह रहा है कि जो अल्कोहल और फिनॉल क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, इनफैक्ट अल्कोहल एंड फिनॉल आर ब्रॉन्स्ड एसिड। देखिए क्या कह रहा है कि जो अल्कोहल एंड फिनॉल ये होते हैं ब्रॉन्स्ड एसिड होते हैं, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, दैट इज दे कैन डोनेट ए प्रोटॉन टू अ स्ट्रॉन्गर बेस, मीन्स ये देखिए ब्रॉन्स्ड एसिड क्या होती है, ये क्या करती है, डोनेट करती है एक प्रोटॉन को स्ट्रॉन्गर बेस को, ठीक है। तो ये जो नीचे वाली ये जो रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो इतना आप अंडरलाइन कर लीजिए, देखिए अल्कोहल एंड फिनॉल आर ब्रॉन्स्ड एसिड होते हैं, ठीक है, और दे कैन डोनेट ए प्रोटॉन टू अ स्ट्रॉन्गर बेस, ठीक, इसको देखिए क्लास 11th में भी पढ़े थे हमने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कह रहा है कि ये बेस हो गया हमारा, ये क्या है बी, कोई बेस हो गया, जब देखिए ये क्या होता है एसिड है, ये हो गया ओ हो गया, ये आर हो गया, ये एच हो गया, तो हमारा ये अल्कोहल है, ठीक है, एसिड है। अब देखिए ये क्या करेगा, मीन्स ये क्या कर देगा, अपना प्रोटॉन को एक क्या कर देगा, ये देखिए ये है, तो ये इसके साथ जब रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये अपना बॉन्ड ये लेकर के चला आ रहा है, तो यही जो अपना है, अपना एक है, एक प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, ठीक है, तो इसीलिए इसको देखिए कह रहे हैं कि ये ब्रॉन्स्ड एसिड है। अब देखिए ये इससे आया, तो इसको देखिए क्या कहेंगे, मतलब कि ये जो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एसिड से आई है, तो इसको क्या कहेंगे, जो बनेगा हमारा ये बनेगा बी एच कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन हमारी एसिड से आई है ये मिलकर के बना, तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, क्या है ये एसिड है, ठीक है, प्लस क्या हमारा बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। अब यहां पे हमारी जो ये है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चली आई है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स जो अल्कोहल और फिनॉल होते हैं इनका जो नेचर होता है कैसा होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, हेडिंग डाल लीजिए एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, हाँ देखिए हेडिंग डाल लिया आपने एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। अब देखिए इसमें बढ़ते हैं, देखिए द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल अल्कोहल इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि जो OH बॉन्ड रहता है इसी के पोलर नेचर होने के कारण होता है एसिडिटी, ठीक है, जो एसिडिक कैरेक्टर होता है अल्कोहल में, जो OH ये ग्रुप होता है, OH बॉन्ड होता है, इसी के पोलर होने के कारण होता है। देखिए कह रहा है आगे, एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है, जैसे हो गए CH3C2H5, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन टेंडिंग टू डिक्रीज द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, जिससे पोलैरिटी ये जो OH बॉन्ड की क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, दिस डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ है, फॉर दिस रीजन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल डिक्रीजेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है, ठीक है, मीन्स क्या होते हैं, जो आपके ये क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन है, रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, वो क्या कर देते हैं, सपोज करिए ये देखिए तीन को यहाँ पे दिया गया है, एक दिया गया है R, ये CH2OH, ठीक है, सिंपली इसमें भी यहीं पे इसको ऐसे लिख लेते हैं RCH2OH है, ठीक है, दूसरा देखिए ये कार्बन है, इस पे CH ये हो जाएगा OH हो जाएगा, यहाँ पे दो हमारे R ग्रुप एल्गिल ग्रुप हो गए। अब देखिए ये तीसरा यहाँ पे क्या है, ये OH है, ठीक है, यहाँ पे तीन हमारे एल्किल ग्रुप है ऐड कर दे रहे हैं यहाँ पे,
अब देखिए यहाँ पे देखिए सिंपली कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो क्या कर देते हैं, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन पे, तो इसी ऑक्सीजन पे क्या कर देंगे, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, मीन्स जैसे ये करेगा ठीक है, ये करेगा तो इस पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जब इंक्रीज हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, जो पोलैरिटी रहेगी ओ एच बॉन्ड की क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा कि देखिए इंक्रीज, देखिए एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन टेंडिंग टू डिक्रीज द पोलैरिटी ऑफ ओ एच बॉन्ड, जिससे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे इंक्रीज कर जाएगी जो पोलैरिटी होगी ओ एच बॉन्ड की डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या कर जाता है, जो डिक्रीज द एसडी की स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, सबसे ज्यादा है तो इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, तो मीन्स ये सबसे लेस एसिडिक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये यहाँ पे केवल थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो ये ज्यादा एसिडिक है, ये क्या है उससे ज्यादा, ये सबसे कम एसिडिक है। ठीक है, ये समझ गया इतना। आगे देखिए कह रहा है कि अल्कोहल्स आर हाउएवर वीकर एसिड देन वाटर, अल्कोहल देखिए क्या होते हैं, वीकर एसिड होते हैं किससे, वाटर से। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर विथ एन अल्कोऑक्साइड, अल्कोऑक्साइड से जब वाटर का रिएक्शन होता है तो देखिए ये क्या कर रहा है, ये आसानी से हमारा कॉन्जुगेट एसिड और बेस ये फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो देखिए दिस रिएक्शन शोज दैट वाटर इज ए बेटर प्रोटॉन डोनर, तो यह रिएक्शन क्या शो कर रहा है कि जो वाटर है होता है ये क्या होता है, बेटर क्या होता है, प्रोटॉन डोनर होता है। ठीक है, देन अल्कोहल, अल्कोहल से। आल्सो इन द एबव रिएक्शन वी नोट दैट एन अल्कोऑक्साइड आयन इज ए बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो हम देखिए ये नोट कर सकते हैं जो अल्कोऑक्साइड आयन होता है ये बेटर क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है देन हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन से। ठीक है, विच सजेस्ट दैट अल्कोऑक्साइड आर स्ट्रॉन्गर बेस से, ठीक है ना, इथोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स अल्कोऑक्साइड जो होते हैं स्ट्रॉन्गर क्या होते हैं, बेस होते हैं देन सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम कह सकते हैं अल्कोहल एक्ट एज ब्रॉन्ज्ड बेस एज वेल, अब देखिए अल्कोहल क्या करता है, ये उसमें पढ़े थे हम ब्रॉन्ज्ड एसिड की तरह यहाँ पे रिएक्ट करता है, अब यहाँ पे क्या होता है, अल्कोहल जो होता है ये रिएक्ट एज ब्रॉन्ज्ड बेस भी करता है। ठीक है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन ऑक्सीजन, ये किसके कारण करता है, जो ऑक्सीजन के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है उसी के कारण। ठीक है, विच मेक्स देम प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो क्या बनाती है उसको, प्रोटॉन एक्सेप्टर बनाती है। अगला देखिए क्या, एसिडिटी ऑफ फिनॉल, चलिए देखिए क्या है, द रिएक्शंस ऑफ फिनॉल विथ मेटल्स, एग्जांपल दिया गया सोडियम एल्युमिनियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट्स इट्स एसिडिक नेचर, अभी हमने देखिए पहले देखा था रिएक्शन। ठीक है, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन फिनॉल इज डायरेक्टली अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ये OH ग्रुप है ये डायरेक्टली अटैच होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। ठीक है, देखिए विच एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, जो देखिए एक्ट करता है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ये करता है, विच एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ड्यू टू दिस, इसी के कारण देखिए क्या होता है, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन फिनॉल मॉलिक्यूल एज डिफेक्टेड इन इट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर कॉजेस द ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप बी पॉजिटिव, देखिए ऑक्सीजन पे क्या हो जाती है, ये पॉजिटिव आ जाती है। तो ये देखिए ये पांच स्ट्रक्चर है, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसको देखिए आप अपने से ड्रा करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे दो लोन पेयर इससे जब बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा दूसरा कंडीशन, देखिए ये हुआ जब इससे बनाएगा तो ये टूट जाएगा, इसको देखिए अभी बना रहे हैं हम, तो इसका जो फिनॉक्साइड वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इंडिकेट दैट फिनॉल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स एंड वाटर, ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन देखिए कह दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है क्या कह रहा है, द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट दैट फिनॉल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल एंड वाटर से है। लेट अस एग्जामिन हाउ अ कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू एन एरोमेटिक रिंग इज मोर एसिडिक देन
द वन इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू एन एल्किल ग्रुप। तो हम देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, ठीक है, कौन सा ज्यादा ये एसिडिक होगा। द आयोनाइजेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल टेक प्लेस एज फॉलोज। तो सबसे पहले देखिए, आयोनाइजेशन ये हमारा क्या है, एल्कोहल का है और ये फिनॉल का। इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या बना रहा है, फिनॉक्साइड आयन बना रहा है, ठीक है। अब देखिए, ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ फिनॉल टू विच OH इज अटैच्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज ऑन ऑक्सीजन। देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है ये क्या कर जा रही है, डिक्रीज ऑन ऑक्सीजन। दिस इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसी कम होगी तो पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड की क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी, ठीक है। देखिए, एंड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन आयोनाइजेशन ऑफ फिनॉल देन दैट ऑफ अल्कोहल। नाउ लेट अस एग्जामिन द स्टेबिलिटीज ऑफ अल्कोक्साइड एंड फिनॉक्साइड आयन। इन अल्कोक्साइड आयन द नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड ऑन ऑक्सीजन आयन। देखिए ये भी सिंपली कह रहा कि देखिए क्या होता है, इन अल्कोक्साइड द नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड ऑन ऑक्सीजन, वाइल द इन फिनॉक्साइड देखिए क्या होता है, द चार्ज इज डीलोकलाइज्ड। ये ध्यान रखिएगा, चार्ज क्या होता है, डीलोकलाइज्ड होता रहता है। द डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज स्ट्रक्चर, देखिए 1 और 5 ये क्या कर रही है, 1 से लेकर के 5 तक ये मेक्स फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल। यही क्या करती है, फिनॉक्साइड आयन को ज्यादा स्टेबल करती है, ठीक है, एंड फेवर्स द आयोनाइजेशन ऑफ फिनॉल। देखिए, ऑल्थ्रो देयर इज आल्सो चार्ज डीलोकलाइजेशन इन फिनॉल, इट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैव चार्ज सेपरेशन ड्यू टू विच द फिनॉल मॉलिक्यूल इज लेस स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। इसी के कारण जो फिनॉल मॉलिक्यूल होता है ये लेस स्टेबल होता है फिनॉक्साइड आयन के। अब चलिए देखिए, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं, ठीक है, किसका बनाएंगे, फिनॉक्साइड आयन का है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और कह रहा था, देखिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज ऑन ऑक्सीजन। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करती है वैसे वैसे पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड की क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस ये बनाया था, ये हो गया हमारा फिनॉक्साइड आयन। सपोज करिए ये हमारा देखिए OH था, जब ये देखिए टूटेगा तो ये क्या टूट रहा, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉल का आपने बना लिया था, ठीक है, प्लस ये H पॉजिटिव आपने इसे बनाया था, ठीक है, फिनॉल का। अब देखिए क्या होगा, इसके पास क्या है, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 ये 5 6 मतलब यहाँ पे 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए यहाँ पे बना रहे हैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है इसी को देखना पड़ेगा। सपोज करिए ये ऑक्सीजन होगी, 2 इधर हो गया, नेगेटिव हो गया, यहाँ पे देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ से इसके साथ बॉन्डिंग करेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, ठीक है। फिर देखिए दूसरी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 लोन पेयर और इसके पास पॉजिटिव का चार्ज नहीं है क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पे इसके साथ कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आया था, नेगेटिव का चार्ज था, ठीक है, ये डबल बॉन्ड था हमारा, ये इतना आ जाएगा, फिर से क्या करेगा, इससे ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, फिर से ये अपना ये वाला लेकर के यहाँ पे चला आएगा। तो ये देखिए अगली स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ये वाली बन जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये दोनों अपना बॉन्ड बना लिए हैं और ऊपर का सेम अभी रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये देखना है, ये हो गया हमारा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर क्या करेगा, ये जो नेगेटिव रहेगा इसके साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के ये वाला बॉन्ड यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। तो ये देखिए जो एरो है, ये एरो का निशान देखिए अच्छे से दिखाइएगा, ठीक है आप लोग। सपोज करिए नेगेटिव का चार्ज था, ये जैसे इसके साथ बॉन्ड करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन रहेगा अपना ये लेकर के चला आएगा, ठीक है। तो अगली देखिए स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, ये दोनों डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किए हैं और इसके पास नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा और ये रही ऑक्सीजन, ठीक है। फिर क्या करेगा, इसके साथ ये बॉन्ड करेगा जिससे ये वाला जो बॉन्ड रहेगा अपना फिर से ये लेकर के चला आएगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन रहेगा लेकर के चला आएगा। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, ये हो गया, अब ये फिर से यही आ गया, मीन्स इसके पास दो ये नेगेटिव का फिर से चार्ज आ गया। तो यही इसीलिए देखिए नेगेटिव का चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा, पहले तो ये हुआ यहाँ पे ऑर्थो पे हुआ है, पैरा पे हुआ है, फिर ऑर्थो पे हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए बुक में भी दिखा दे रहे हैं हम इसको,
देखिए यही दिया गया है, ठीक है। ये जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये कहाँ पे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे देखिए इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे ये यहाँ पे आ रही है ऑर्थो पे और पैरा पे, सब जगह पे, ठीक है। ऑर्थो हुआ, ये पैरा हुआ, ये ऑर्थो हुआ, ठीक है। आगे देखिए पढ़ते हैं, इन सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप सच एज नाइट्रो ग्रुप इनहेंस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, दिस इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन सच अ ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा। इट इज देखिए यही कह रहा है, इट इज ड्यू टू इफेक्ट डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्या होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, चार्ज इन फिनॉक्साइड आयन व्हेन सब्स्टिट्यूटेड इज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होते हैं, ठीक है। क्या होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज का होता है। देखिए ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सच एज एल्किल ग्रुप इन जनरल डू नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, रिजल्टिंग इन डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। देखिए क्रिसॉल फॉर एग्जाम्पल आर लेस एसिडिक देन फिनॉल, जो क्रिसॉल होता है ये क्या होगा लेस एसिडिक देन फिनॉल होगा। अब एक चीज ये देखिए पीके, ये जो पीके वैल्यू होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये जो वैल्यू है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये एक्सपेरिमेंटली होता है, ठीक है। देखिए कह रहा है द ग्रेटर द पीके ए वैल्यू द वीकर द एसिड, ठीक है। ये पीके ए वैल्यू दिया गया है, मतलब जितनी ज्यादा ग्रेटर रहेगी पीके वैल्यू उतनी ही कम क्या हो जाएगी, ये एसिड क्या हो जाएगी वीकर एसिड होगी। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे फ्रॉम द एबव डेटा यू विल नोटिस दैट फिनॉल इज मिलियन टाइम्स एसिडिक मोर एसिडिक देन एथेनॉल, एथेनॉल का हमारा यहाँ पे है फिनॉल का 10 है, तो यहाँ पे देखिए मिलियन टाइम्स क्या हो जाएगा एसिडिक देन क्या हो जाएगा ये एथेनॉल से होगा, ठीक है। अब देखिए अगला ये क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्या कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एसिडिक स्ट्रेंथ। पहला देखिए प्रोपेन वन ऑल है, दूसरा ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, तीसरा ये 3 नाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे 3,5 डाई नाइट्रो फिनॉल हो जाएगा, ये फिनॉल हो जाएगा, 4 मेथिल फिनॉल हो जाएगा। किस में करना है, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। अब यही देखिए क्या पढ़े थे हमने, यहाँ पे पढ़ा था जो नाइट्रो ग्रुप होता है ये इनहेंस द एसिडिक स्ट्रेंथ कर देता है जब ये ऑर्थो और पैरा पे होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा देखिए किसका होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, क्योंकि यहाँ पे 3 है और ये 3 यहाँ पे ये जुड़े सबसे ज्यादा इसी की एसिडिटी होगी, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए किसका हो जाएगा जिसमें 2 नाइट्रो ग्रुप होंगे, ये 2 नाइट्रो ग्रुप है, दूसरा ये हो जाएगा। फिर इसके बाद ये देखिए एक 3 नाइट्रो फिनॉल, ठीक है, फिर ये हो जाएगा, फिर आपका क्या आ रहा है फिनॉल आ रहा, फिर 4 मेथिल फिनॉल आ रहा, फिर प्रोपेन वनॉल की ये हो जाएगी एसिडिटी, ठीक है ना, ये समझ गए। अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो इसको पूछिए, ठीक है ना। अब चलिए आगे हेडिंग डाल लीजिए एस्टेरिफिकेशन, देखिए दूसरा क्या है एस्टेरिफिकेशन, ठीक है। देखिए अल्कोहल एंड फिनॉल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड टू फॉर्म ईस्टर, देखिए इसके साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है ईस्टर का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए क्या है यहाँ पे हमारा क्या है हमने, या फिर आप एरिल अल्कोहल लीजिए या फिर एल्किल अल्कोहल लीजिए, पहला देखिए रिएक्शन हो रहा है ये एसिड के साथ, ठीक है, RCOH के साथ हो रहा है, ठीक है, तो क्या फॉर्म हो रहा है हमारा ईस्टर हो रहा है, फिर वाटर हो रहा है, तो इन तीनों रिएक्शन को मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए ये देखिए रिएक्शन दिया गया, पहला देखिए क्या हम ले सकते हैं यहाँ पे, या फिर एरिल ले सकते हैं या फिर एल्किल अल्कोहल ले रहे हैं, पहला रिएक्शन कर रहे हैं हम एसिड के साथ RCOOH के साथ, ठीक है। तो ये देखिए रिवर्सिबल हो गए, मीन्स ये एस पॉजिटिव मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये बनेगा एरिल या फिर एल्किल, ये देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या है ये सी है, ये डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, यहाँ पे ओ हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा, प्लस एस टू ओ हो जाएगा, ये दोनों कुछ भी हो सकता है, तो हमारा ईस्टर फॉर्म हो रहा है। दूसरा हम देखिए क्या ले रहे हैं एरिल या एल्किल अल्कोहल है, प्लस देखिए दूसरा देखिए किसके साथ रिएक्शन करा रहा है, ये दिया गया है एसिड, हाँ दूसरा एसिड एनहाइड्राइड है, ठीक है, ये क्या है एसिड एनहाइड्राइड, ये आर डैश सी ओ ट्वाइस ओ, इसका भी देखिए स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसेंट्रेट H2SO4 यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। ये C हो जाएगा डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा O R डैश प्लस इसके साथ R डैश COOH भी मिलेगा, ठीक है। तीसरा देखिए क्या है यहाँ पे एसिड क्लोराइड है, ठीक है, तीसरा किसके साथ कर रहे हैं रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ, तो देखिए प्लस ये R डैश ये हो जाएगा COCl, ये क्या एसिड क्लोराइड है, ठीक है। इसमें देखिए हमको देना पड़ेगा पीरीडीन,
पीरिडीन के प्रेजेंस में करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ईस्टर ये बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा, HCl बनेगा। पहला देखिए एसिड के साथ कराएं, दूसरा एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराएं, तीसरा क्या करा रहे हैं, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ईस्टर बनेगा। अब देखिए आगे बुक में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए देखिए दिया गया है, देखिए कह रहा है कि द रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल होगा एंड देयरफॉर वाटर इज रिमूव्ड एज सून एज इट इज फॉर्मड। द रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस पीरिडीन, ठीक है, एसिड क्लोराइड का देखिए करा रहे हैं तो हम पीरिडीन के प्रेजेंस में करा रहे हैं, so as to neutralize HCl which is formed during the reaction, means इसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम पीरिडीन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि इट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट हैंड साइड, तो इसीलिए ये जो क्या करती है, इक्विलिब्रियम को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करती है पीरिडीन। द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटिल, एसिटिल देखिए क्या होता है, CH3CO, ठीक है, ग्रुप इन एल्कोहल आर फिनॉल इज नोन एज एसिटाइलेशन, ठीक है, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूस एस्पिरिन, देखिए ये सैलिसिलिक एसिड है, इसका हम एसिटाइलेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या बन रहा हमारा, ये एस्पिरिन बन रहा है, ठीक है, एसिपिरिन बन रहा है। देखिए एसिटाइलेशन हम पढ़े थे, ठीक है ना, देखिए क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड मीन्स इसी को कहते हैं एस्पिरिन कहते हैं, और यहाँ पे एसिटिक एसिड बनेगा, तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, मीन्स जब एसिटाइलेशन कराएंगे सैलिसिलिक एसिड का तो एसिपिरिन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे देखिए नोट करके दिया गया है, एसिपिरिन प्रोसेसेस क्या है, एनाइल गैसेस, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टीज, मीन्स इसमें ये सब प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, मीन्स जो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OS बॉन्ड है, ठीक है, इसमें जो ये जो एल्कोहल होता है एज ए ट्रीट करता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू। अगले देखिए नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ाएंगे रिएक्शन ऑफ क्या होता है, जो CO बॉन्ड का होता है क्लीवेज का, ये होता है, ठीक है, ओके थैंक यू।